केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 15 सितंबर को ग्वालियर आएंगे। इस दौरान ग्वालियर वासियों को 1500 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात मिलने जा रही है। आपको बता दें, मंत्री नितिन गडकरी प्रदेश की पहली एलिवेटेड रोड का भूमि पूजन करेंगे और इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शिरकत करेंगे। इसे लेकर कांग्रेस विधायक सतीश शिकरवान का कहना है कि कार्यकर्ताओं को टारगेट देने से क्या होगा, क्योंकि निकाय चुनाव के दौरान जब सीएम आम सभा को संबोधित करने आए थे तो कुर्सियां खाली पड़ी रही थी। वहीं प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट का कहना है कि उस दिन ग्वालियर को बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित प्रदेश के आधा दर्जन से अधिक मंत्री भी मौजूद रहेंगे। कुछ बातें जो है ये बड़ी परंपरा 15 तारीख को एक बड़ी सौगात ग्वालियर को मिलने जा रही है और 15 तारीख को देश के केंद्रीय मंत्री अपने नितिन गडकरी जी, श्रीमान ज्योतिराय सिंधिया जी, नरेंद्र तोमर जी, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज जी, गोपाल भार्गव जी, भूपेन्द्र जी, हमारे ऊर्जा मंत्री जी और पूरा संगठन जो एक सौगात आ रही लगभग 1500 करोड़ की एलिवेट रोड उसका पूजन है, कई सड़कों का पूजन है। दिया हुआ टारगेट क्या होता है, तो उनका टारगेट तो फेल हो जाता है। पहले भी देखा, चुनाव के समय माननीय मुख्यमंत्री जी आए, कुर्सियां खाली पड़ी रही, कार्यकर्ता आ ही नहीं रहा है।